आज फिल्म कलाकार संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, अली फजल, सत्यजीत दुबे और अमायरा दस्तूर अपनी अपकमिंग मूवी प्रस्थानम की ट्रेलर लॉन्च के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए थे। मूवी की ट्रेलर लॉन्च में फिल्म के निर्देशक देवा कटा भी मौजूद थे। लॉन्च कार्निवल सिनेमा कनॉट प्लेस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रस्थानम एक राजनीतिक ड्रामा मूवी है जो एक परिवार और उसके रिश्तों के बारे में है। देवकटा द्वारा निर्देशित और मायना दत्त द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम में उपस्थित निर्माता मायता ने इस तरह के एक अद्भुत स्टार कास्ट को एक साथ लाने के बारे में बात की। इस तरह के एक अद्भुत स्टार कास्ट को लाना मेरे लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। हर कोई इस फिल्म के लिए अपनी तारीफों को प्रबंधित करता है। हालांकि चंकी एक अन्य फिल्म में व्यस्त थे और वह मूंछ का मुद्दा भी था, लेकिन वह बोर्ड में शामिल होने में कामयाब रहा। संजय दत्त ने प्रोड्यूसर के रूप में प्रसन्नम और मायता के सेट पर काम करने के बारे में बात की। मुझे सेट पर समय पर होना था। एक निर्माता होने के नाते मेरे पास कोई भी भत्ता नहीं था। इसके अलावा उन्होंने युवा प्रतिभाओं अली फजल, सत्यजीत दुबे और अमायरा दस्तूर की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं भी इस परियोजना के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में इस फिल्म से फर्क पड़ा है। जैकी श्रॉफ ने मनीषा कोइराला और संजय दत्त के साथ फिर से बात करते हुए कहा कि मैं वास्तव में खुश महसूस कर रहा था और ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। हम तीनों का बहुत गहरा नाता है, इसलिए जब भी हम मिलते हैं हमारे दिलों में वही खुशी महसूस होती है और भगवान के द्वारा अनुग्रह हम फिट और ठीक हैं, इसलिए हम खेलने, नृत्य करने, लड़ाई करने और अभिनय करने में सक्षम हैं। चंकी पांडे ने फिल्म में अपने लुक और किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, मैं फिल्म में सूट पहनने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। मैंने प्रस्थानम के लिए अपने लुक को छिपाने के लिए चश्मा भी पहना था। ये किरदार बहुत पतला है और इसका अगला कदम बहुत अप्रत्याशित है। आपको बता दें कि ये फिल्म 20 सितंबर 2019 को सिनेमा घरों में आएगी।